देखिए भाई स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ध्यान से देखिए सभी स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्ज से बना होता है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है, दोनों चार्ज पॉजिटिव नहीं होने चाहिए, ना पॉजिटिव होने चाहिए ना दोनों चार्ज नेगेटिव होने चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बनेगा, अगर ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है तब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक डाइपोल तभी पॉसिबल है जब ये नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो, या ये पॉजिटिव हो, अभी मैंने इसको नेगेटिव कहा, अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो, इसका मतलब ये हुआ दोनों चार्ज अपोजिट प्रकृति के होने चाहिए। अब दूसरी शर्त चलिए मान लेते हैं अपोजिट प्रकृति के तो हैं लेकिन उनकी वैल्यू बराबर नहीं है, उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है, जैसे ये माइनस का 3 कूलाम है और ये प्लस का 3 कूलाम है, तो साइन को तो फॉलो कर रहे हैं, माइनस का 3 प्लस का 3, यहाँ दोनों चीज़ें फॉलो हो रही हैं, देखो ये माइनस का 3 है प्लस का 3, अगर ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 4 है, जैसे मैं कहूँ ये माइनस का 3 है और ये माइनस का 3 कूलाम है और ये प्लस का 3 कूलाम है, तो ये डाइपोल बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा यहाँ पर साइन तो अलग है लेकिन उनकी वैल्यू बराबर है, मैग्नीट्यूड इसी को कहते हैं, ये वैल्यू जो है उनकी बराबर है, तो ये डाइपोल है। अगर मैं यहाँ इसे मिटा के 4 कर दूँ तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं कहलाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब ये होता है दो चार्ज से बना हुआ हो और उसकी एक खासियत है दो चार्ज से बना हो और दोनों चार्ज साइन में तो अपोजिट हों, चिन्ह में तो वो अपोजिट हों, प्रकृति में तो अपोजिट हों, लेकिन उनके मैग्नीट्यूड जो उनकी वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए। तो अब हम इसे अंकों में नहीं लिखेंगे, आप समझ गए होंगे, अब हम इसे लिखेंगे माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो ये हो गया, अब ये डाइपोल हो गया। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हम अपनी सुविधा के अनुसार, वैसे तो ए मान सकते हो, एक्स मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो भाई, दूरी इनके बीच की डिस्टेंस है, आप डी लिखो चाहे एक्स लिखो चाहे वाई लिखो, लेकिन सुविधा के अनुसार इसको हम अच्छी डिस्टेंस उसे मानते हैं जो सही हमारे लिए गणना करने में आसान होती है, 2L मान लेते हैं। तो इनके बीच की डिस्टेंस हमने 2L मान ली। 2L मानने से एक और फायदा होता है कि L इधर चला जाता है, L इधर चला जाता है। अगर हम L डिस्टेंस मानते तो आप जानते हो इधर L बाई 2 आता, इधर भी L बाई 2 आता, तो L बाई 2 हमें सॉल्व करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता। तो इस परेशानी से हमने बचने के लिए ऐसी डिस्टेंस मानी है जिसका हाफ आसानी से हो सके, तो इसीलिए 2L मानते हैं। 2L मानने से फायदा होता है L इधर चली जाती है, L इधर, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मीन टू से इसको हम मध्य बिंदु कहते हैं। अब हम इसका डाइपोल मूवमेंट निकालेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम पी से शो करते हैं और ये होता है किसी एक चार्ज की गुणा कर देते हैं 2L से, तो हो गया क्यू इंटू 2L, या P बराबर हम कह सकते हैं 2QL, इसको ऐसे लिख दो ना, 2 पहले ले लो, 2QL लिख लो, ये ज़्यादा अच्छा है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हमने इसके मैग्नीट्यूड को लेते हैं, इसके मैग्नीट्यूड को लिया, इसलिए हमने आपने देखा साइन नहीं लगाया था, लेकिन चाहे तो मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो साइन नहीं लगाएंगे। अब मैग्नीट्यूड ले लिया तो साइन का कोई मतलब ही नहीं रहा है ऊपर वेक्टर साइन का, तो P बराबर हम इसे 2QL भी लिख सकते हैं, लिखते ही हैं। इसका डायरेक्शन क्या होता है? इसका डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की होता है, डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की, क्यू माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है, ओर होता है। इसे वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, डाइपोल मूवमेंट कहते हैं, डाइपोल का मूवमेंट कहते हैं इसे। अब ये P बराबर 2QL, तो ये फार्मूला हमें ध्यान रखना है, P बराबर 2QL क्या होता है। अब बात सुनो, यहां पर दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड
बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए इसको इजी वे में बनाने के लिए हम तीन फार्मूले यहाँ बनाते हैं। पहले बात तो आपको दो मैं बताऊंगा जरूर पहले, तो आप सबसे पहले देखें माइनस क्यू प्लस क्यू की वजह से हम क्या करेंगे, इनके दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में बहुत दिक्कत करेगा, तो इसीलिए हम इनसे क्या करेंगे, इस डाइपोल के कारण एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। हालांकि माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकाल के दिखा दी, प्लस चार्ज के कारण भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखा दी, अब हम डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाएंगे, मैंने अभी आपको दिखाया था। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किस तरह दिखाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब हम दो सिचुएशन पे लेंगे, एक लेंगे अक्षीय स्थिति पर। तो सबसे पहले लिखेंगे डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला पॉइंट शुरू हो गया हमारा, डाइपोल के कारण अक्षीय स्थिति के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र। अब आप सोच रहे होंगे डाइपोल क्या, डाइपोल को तो लिख दिया मैंने, इसकी हिंदी ये है, अब अक्षीय स्थिति पर कैसे लोगे, तो सबसे पहले हमने, हाँ इसका एक एग्जांपल मैं दे दूं आपको, इसके केमिस्ट्री में बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ डाइपोल, आप सोचें आपके मन में आ रहा हो सर डाइपोल कहाँ होता है, तो देखो डाइपोल HCl में होता है, HCl भी तो डाइपोल है, क्योंकि आपने देखो इस पर पार्शियली पॉजिटिव आ जाता है, भाई HCl कैसा होगा, HCl ऐसी तो होगा, HCl के बीच में एक बॉन्ड होगा, तो इस पर पार्शियली पॉजिटिव होता है, इस पर पार्शियली निगेटिव होता है, तो ये भी तो डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है भैया, ये चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है जो कहेंगे स्ट्रांग में होगी, तो आप खुद ही समझ लीजिए ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आप केमिस्ट्री में समझ ही गए, ये सब केमिस्ट्री के जो हैं ये प्लस माइनस में जो डिवाइड हो जाते हैं इनको हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मानते हैं। और जैसे वाटर भी है, वाटर H2O, तो H2O भी एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। अच्छा भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालते हैं, चलिए देखिए ये हो गया हमारा माइनस का क्यू, ये हो गया हमारा प्लस का क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस ये एल हो गई, ये भी एल हो गई, ये ए हो गया, इसको बी मान लो, और हमें इस पूरे डायपोल का, इसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम है, हमने अभी इसी का था, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम है, लेकिन हम पूरे डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, वो भी यहाँ ये जो जगह है सी, यहाँ पर एक टेस्टिंग चार्ज मारेंगे, टेस्टिंग चार्ज कितना वीक होता है, बहुत वीक होता है, इसको हम पॉजिटिव मानते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम नाप लेंगे, यहाँ से मिड पॉइंट से दूरी नापते हैं, मिड पॉइंट से दूरी होगी आर, तो यहाँ से दूरी कितनी होगी, यहाँ से दूरी जाहिर है आप जानते हैं कम होगी, तो कितनी दूरी हो जाएगी, ये टोटल आर, उसमें से एल कम हो जाएगी, तो ये बचेगी आर माइनस एल, यहाँ से अगर दूरी मेजर करें तो कितनी हो जाएगी आर प्लस एल, क्यों, क्योंकि उसमें भाई यहाँ से आर है, एल जुड़ जाएगा, तो यहाँ से आर प्लस एल हो जाएगी। तो अब एक बात सोचिए ज़रा, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो जाहिर है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर को जाती है, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही की ओर आती है, तो अब आप देखो यहाँ पर हम कौन सा चार्ज मानते हैं, यहाँ पर टेस्टिंग चार्ज मानते हैं, परीक्षण आवेश मानते हैं, और परीक्षण आवेश क्या होता है, वीक होता है, परीक्षण आवेश रखा है यहाँ पर, यहाँ क्या रखा है, परीक्षण आवेश रखा है, परीक्षण आवेश कैसा होता है, वीक होता है, बल्कि वीक ही नहीं वेरी वीक होता है, यानी बहुत कमज़ोर होता है, और इसको हम मान सकते हैं कि ये क्यू नॉट है। तो यहाँ पर एक टेस्टिंग चार्ज रखा है, और वो टेस्टिंग चार्ज यहाँ से प्लस क्यू के कारण फोर्स को फील करेगा, तो जाहिर है फोर्स को फील करेगा तो दूर को भागेगा, और ये अट्रैक्शन देगा उसे, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में डिवाइड हो गया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दूर को चला गया, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ चला जाएगा इसे E1, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आ जाएगा E2, इसकी वजह से, तो इसकी वजह से इसकी ओर और इसकी वजह से दूर, तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, तो प्लस क्यू आवेश के कारण पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पॉइंट में, या बिंदु बात एक ही है, बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र
वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे? ई वन, हमने क्या नाम दिया? ई वन, ई वन नाम दिया है प्लस वाले की वजह से। तो ई वन बराबर हो जाएगा के क्यू बटे डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस तो भैया यहां से नपेगी तो आर माइनस एल है, ऐसे ही लिखेंगे बिल्कुल सेम इसी प्रकार से। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र, इसे क्या कहोगे? ई टू, ई टू बराबर यही लिख दो सेम, नीचे की डिस्टेंस बदल दो। क्यों बदलोगे? क्योंकि खुद देखो ना दूर है, यहां से तो वो पॉइंट सी दूर है ना, देखो कितना दूर है, आर प्लस एल दूर है, और यहां से मेजर कर रहे तो आर माइनस एल था भाई, इसके तो पास है और इससे दूर है, तो पास है तो दूरी कम है, और दूर है तो देखो दूरी ज्यादा है, प्लस में और यहां माइनस में। अब फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर सी पर निकालेंगे, तो सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। सी पर, बिंदु सी पर, सी पर परिणामी, परिणामी माने रिजल्टेंट, टोटल टोटल परिणामी वैद्युत क्षेत्र, कैसे भी आप समझ सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? दोनों को जोड़ लो, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है भाई, मैंने तो मैग्नीट्यूड में समझाया ना, अगर वेक्टर क्वांटिटी होती तो जुड़ते नहीं। तो आपका ये आता ई बराबर ई वन प्लस ई टू, तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन हम जोड़ेंगे नहीं, हम घटाएंगे, क्योंकि ये फार्मूला सही लिखा है, फार्मूला वेक्टर क्वांटिटी में लिखा है। आप डायरेक्शन जब देखोगे तो, यानी कि जब डायरेक्शन देखो तो डायरेक्शन तो अपोजिट है ना, तो यानी कि प्लस का लिखेंगे लेकिन घटाएंगे, ये वेक्टर में लिखा हुआ है। अब डायरेक्ट अब नॉन वेक्टर में देखेंगे, मैग्नीट्यूड लेके देखेंगे तो मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन अलग है, तो ई बराबर हो जाएगा ई वन माइनस ई टू। तो ई की वैल्यू रख दो, ई की वैल्यू क्या है? ई की वैल्यू है ई वन की वैल्यू रख दो, के क्यू, के क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ई टू की वैल्यू रख दो, के क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हल कैसे करोगे? इसे सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करेंगे? के क्यू तो कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा वन माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस वन अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये बात आ गई। अब देखो क्या करेंगे हम, अब सोचे कैसे हल करें। देखो यहाँ तो स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो अगर इनको स्क्वायर से खोल दोगे तो कॉम्प्लिकेटेड कठिन हो जाएगा ये, तो तिरछी गुणा कर लो पहले, पहले स्क्वायर से मत खोलो इसे, इसकी गुणा इसमें कर दो, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इसकी गुणा इसमें कर दो तो ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। आप देखो इसे दो बार लिख लो, एक बार लिखो पहले आर माइनस एल, ये भी इसमें लिख दो, इसमें एक बार इसे लिख लो, फिर एक बार इसे लिख लो, अब एक बार फिर से इसे लिख लो, अब एक बार फिर से इसे लिख लो। तो देखो कितना अच्छा तरीका है ये, इससे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा हुआ देखो, एक बार प्लस ब्रैकेट, एक बार माइनस ब्रैकेट, एक बार प्लस ब्रैकेट, एक बार माइनस ब्रैकेट। और हमने पढ़ा है कि इनका एक सूत्र बन जाता है। देखो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, आपने पढ़ा होगा नाइन्थ में छोटे क्लास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए प्लस वी। तो यानी कि दो ब्रैकेटों को हम ऐसे लिख सकते हैं, इन दो ब्रैकेटों की गुणा कर देंगे तो ये हो जाए के क्यू बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब ऐसा ही जैसा ये आया ऐसा ही इनसे आएगा, तो क्यों ना हम दो बार लिखने की जगह, चलो दो बार लिख देते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, अब की बार में होल स्क्वायर कर लेंगे। इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो हमने खोल दिया, इसे माइनस कैसे खोल देंगे? माइनस वाले में क्या करेंगे? यहाँ माइनस कर देंगे, क्योंकि प्लस का होल स्क्वायर और माइनस का होल स्क्वायर एक जैसे ही होते हैं, बस ये साइन अलग होता है। तो इसको होल स्क्वायर से खोलेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lr, 2ab, 2ab हो गया ना ये। अब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर, फिर आएगा बी स्क्वायर, अब आएगा 2lr, तो 2lr को खोल दिया। अब देखो ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, के क्यू ऐसे रख दो, ये ही चल रहा है, ई बार बार यहाँ लिख दो। देखो दो बार नहीं लिखा हमने, लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। तो ई बराबर क्या आ गया? ई बराबर आ गया के क्यू 2LR, 2LR, 2LR ये है और 2LR ये है, तो दो दो चार हो गए, ये कितने हो गए? चार एल आर हो गए, चार
एल आर देखो हो गया 4 LR, देखो 2 × 4 LR, तो देखो ना 2 LR और 2 LR, इन्हें अगर ऐड करूं तो 4 नहीं हो जाएंगे, 2 और 2 4, तो ये भी तो 4 है, 2 × 4। अब इनको क्या करें, इनके यहाँ पे एक घात है और एक घात यहाँ है, तो ये 2 घात लिख दो, तो R² - L² की घात 2। अब देखो 2 2 और क्यू और एल पास पास लिख दो, 2QL पास लिख दो, 2QL 2 उठा लो, Q उठा लो और L उठा लो, तो ऐसे लिख दो 2QL। भाई देखो 2 चाहिए, ये वाला 2 ले लो, 2QL। अब बात सुनो, जब 2QL ले लिया तो क्या बचा, 2K और R बचा, तो यहाँ लिख दो 2KR। अब बटे में क्या बचा, बटे में देखो ये बच रहा है, तो हम देखो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कि R जो है वो बड़ा है किससे, L से। तो जब जब R बड़ा है, R बड़ा है, देखो हमने क्या कहा, R बड़ा है L से, तो उसका स्क्वायर तो और भी बड़ा होगा, उसका स्क्वायर तो और भी बड़ा हो जाएगा, जब R पहले ही बड़ा है तो इसका स्क्वायर और भी बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसको छोड़ दो, ज़्यादा छोटा हो जाएगा छोड़ दो, क्योंकि ज़्यादा छोटी चीज़ क्या जुड़ेगी उसमें, जुड़ के भी क्या इफेक्ट डाल पाएगी, तो इसे छोड़ो, तो R की पावर 2 हो गई, और ऊपर भी तो ये 2 रह गए, तो E बराबर क्या हुआ, ये बन गया P, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ 2QLP होता है, देखो यहाँ देख लो बहुत ध्यान से, ये P हो गया, तो मैंने यहाँ क्या करा, P लिख दिया, तो ये हो गया 2K PR, तो ऊपर हो गया 2K P और R, और नीचे हो गया R4। अब एक एक R कट गया, क्योंकि यहाँ एक है और यहाँ 4 बार है, तो यहाँ 3 बार रह गया, ये हो गया 2KP। तो ये फार्मूला लिखा, यानी कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक, यानी कि डाइपोल की वजह से कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, अगर मुझे डाइपोल की वजह से कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो अक्षीय स्थिति पर, कौन सी पोजीशन पर, एक्सियल पोजीशन पर, इसे एक्सियल पोजीशन भी कहते हैं, तो मैं ये इतना बड़ा नहीं करूँगा, इतना बड़ा फार्मूला नहीं लगाऊँगा, इतना ये सब निकालूंगा नहीं, डायरेक्ट ये लगाऊँगा, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्ट फार्मूला आ जाए, एक ऐसा फार्मूला आ जाए जो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सके डाइपोल के कारण, इसीलिए हमने ये इसको प्राप्त करना उचित समझा, वरना हम क्या करते, डाइपोल के कारण ये वाला फार्मूला कभी नहीं बनाते, लेकिन हमें बनाना पड़ा ताकि हमें जो इतनी परेशानी से बार बार हमें न्यूमेरिकल में ना लगाने पड़े, ये सब इतनी इतनी मेहनत ना करना पड़े, इसलिए फाइनल हमने एक आंसर निकाल दिया, लेकिन ये हर जगह के लिए नहीं है, ये केवल अक्षीय स्थिति के लिए है, निरक्षीय स्थिति के लिए हम फिर से निकालेंगे, यहाँ ये निरक्षीय स्थिति है, यहाँ पर निकालेंगे इसकी बीच में, यानी कि ये जो डायपोल है इसके ठीक सीध में, 20 से ठीक सीध में यहाँ निकालेंगे तो ये निरक्षीय कहलाएगी, यहाँ पर भी निरक्षीय कहलाएगी, चाहे यहाँ निकालो चाहे यहाँ निकालो, तो एक और फार्मूला हम ऑब्टेन करेंगे। अच्छा, फिर एक और करेंगे इसके बाद, यहाँ पर करेंगे ये किसी भी बिंदु पर, तो 3 फार्मूले इसके हैं और डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो जाएगी, अगर 3 फार्मूले आपने डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के देख लिए तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए, हालांकि ये भी क्लियर है क्योंकि अब आप अक्षीय स्थिति पर निकाल लेना कोई टफ काम थोड़ी है, भाई वेक्टर साइन है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दूर को चला जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पास में आ जाएगा, यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है उसका रिजॉल्व कर लेना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी कंपोनेंट्स होते हैं। थैंक यू, मैं समझ गया हूँ, मुझे उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे।